हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सेवानिवृत्त से 7 दिन पहले 50,000 की रिश्वत लेते जिला शिक्षा अधिकारी को SCB ने किया ट्रैप। 15 अगस्त को जिला स्तर पर मिला था सम्मान। बाड़मेर प्रदेश में घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गंभीर है। लगातार SCB की टीम इस प्रकार के घूसखोर लोगों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ऐसे में गुरुवार को पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक केसर दान 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किए गए हैं। परिवादी एक शिक्षक ने जैसलमेर SCB में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की थी कि उसका निलंबन काल चल रहा है। ऐसे में विभागीय जांच में मदद करने की एवज में प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी केसर दान ने उससे 2 लाख की रिश्वत राशि की मांग की, जिस पर SCB जैसलमेर की टीम ने पूरे मामले का सत्यापन करवाया और गुरुवार सवेरे चौहटन उपखंड मुख्यालय स्थित एक स्टेशनरी की दुकान पर प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया और मध्यस्थता करवाने वाले जीवनदान और आशु सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। SCB की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और केसर दान के कई अन्य दस्तावेज और घर की भी तलाशी ले रही है। गौरतलब है कि प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी केसर दान को गत 15 अगस्त को ही जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया गया था और आगामी 31 अगस्त को ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं। फिलहाल SCB की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस प्रकार के घूसखोर प्रवृत्ति के लोगों में SCB की इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मच गया है। SCB के DGP BL सोनी के निर्देशन में जैसलमेर SCB के DSP अन्नराज और उनकी पूरी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।